बैठो बैठो। जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक क्या कायम रहेगा? ये आरएसएस एक होकर इस देश को तबाह कर रहे हो। मंगलसूत्र, भैंस लेना, जमीन लेना और लोग मुजरा, ऐसे शब्द नहीं आते थे। वो समाज को खत्म करने के लिए बैठे हैं। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जरा छुप। अच्छा, आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कितने झूठ बोलेंगे आप? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए। तुम्हारा काम एक ही है, सबको तोड़ना। साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि राज ये आरएसएस से जुड़े हुए और इस देश के सभी लोग जानते हैं, आरएसएस के लोगों ने उचका कर, गोडसे को उचका कर महात्मा गांधी की हत्या की। You are not making your point. You are, Khadge ji, you are engaging, unfortunately, painfully, in bashing an organization that is working for the nation tirelessly with nationalistic mindset. I would have expected a leader of your stature to say nothing but appreciate. As senior men, don't find yourself in chains where appreciation is needed. You must appreciate. Yes. Great. ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपेंज करना चाहिए। अरे आप सौ बार बोलो, आप सौ बार कहिए, मैं सौ बार यही कहूंगा कि आरएसएस एक होकर इस देश को तबाह कर रहे हो। नथिंग विल गो रिकॉर्ड सर। ऑल एस्पर्शन अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलक की योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे, क्योंकि कभी तो कभी सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है, मरे नहीं देश के तो लिए, सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा, देशभक्ति का पाठ, आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे दाने भी मत देखिए, हमारे वजह से किसान के सच्चे कैसे बनी है, आईआईटी हमने बनाया, कैसे बनेंगे तब आप कुछ नहीं। हमने बनाया, मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने बनाया, किसान कितना ग्रीन रेवोल्यूशन हमने लाया, मुझसे पूछा व्हाइट रेवोल्यूशन हमने लाया, हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पड़े हैं या आरएसएस के खड़गे जी। सो हमको खड़गे जी जानकारी लीजिए, जो रिजल्ट आते हैं हा? जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं हा? उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है, 27% की भागीदारी हमने भी, चाहे 27% की भागीदारी हमने भी, एससी एसटी को रिजर्वेशन हमने दिया, आदिवासियों को रिजर्वेशन हमने दिया। आप रे क्या, आप सिर्फ तोड़ना,
आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। सर सर, मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में वन रैंक वन पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो नो रैंक नो पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर, सर सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया। प्लीज एक्सपेंस, टोटली एक्सपेंस। अरे दिया सब, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूँ। मैं हाँ यस प्लीज खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूँ, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूँ, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूँ सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं, ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया। ये देखिए साहब, नहीं ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी, जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं इस देश में। प्लीज प्लीज, तो मैं आपसे हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है, और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर, अरे ये स्टैटिस्टिक, ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज भी हालत सुधरे नहीं है। देश का ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूँ। जुलाई 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। सितंबर 2023 मध्य प्रदेश के अनूपपुर बीजेपी नेता ने बुजुर्ग आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। 2023 गुजरात के मोरबी दलित युवक को तनख्वाह मांगने के लिए लोगों ने पीटा और मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी मजबूर किया। 2023 में मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान के दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज प्लीज, मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की पीट पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की, फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में
देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में एक ही महीने में लगातार 3 आतंकी हमले हुए। मणिपुर 3 मई 2023 से जल रहा है। राहुल जी मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से शुरू की। इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर गए, इनका अनुभव संसद के सरकार सुन सकती थी, पर सरकार राजनीतिक लाभ में लगी रही। अभिभाषण में मणिपुर पर चिंता नहीं दिखाई दी, इसीलिए आपका सफाया वहां पर हो गया। हाल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने मणिपुर पर नसीहत दी, हमारी बात तो आप सुनते नहीं, आरएसएस वाले पहले बार सच बोल रहे हैं, उनकी तो बात सुनी है। एक साल से मणिपुर जल रहा है, किसी की जवाबदारी नहीं है। सर ये परसों ही बोले ना, ऑन वन हैंड खड़गे जी, ऑन वन हैंड यू आर स्पेयरिंग नो वर्ड्स ऑफ कंडेमनेशन, ऑन सेकंड हैंड यू आर सेइंग दिस। ये देखिए साहब, देखिए आप सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं, मोहन भागवत मैं बोल रहे हैं कि मणिपुर पे इन्होंने निर्वाचन किया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं नहीं कहा, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा। आप ये नहीं, मोहन भागवत जी का हर भाषण आप पढ़ लीजिए, ज्ञान ही मिलेगा। नहीं मैं ये देखिए बहुत नफीस, मैं देखिए अपने जो उनके फाउंडर है वहां से लेकर गोलवाल गुरुजी से लेकर सुदर्शन से लेकर जितने भी उनके लीडर हैं सबको पढ़ता हूँ। और देवरस इमरजेंसी में थे ना सब, देवरस बाड़ा साहब सबके साहब, मेरे को नाम याद है, इसलिए याद है, वो समाज को खत्म करने के लिए बैठे हैं, उनका नाम तो मेरे को हर दिमाग में बैठा हुआ। आई डिलीट दिस ऑब्जर्वेशंस, दिस इज रेप्रिहेंसिबल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज सभापति जी के बीच एक बड़ा घोटाला खड़गे जी सामने आया है, खड़गे जी जिसे सरकार खड़गे जी दबाने की कोशिश। यू हैव मेड वन सेकंड, यू हैव मेड हाईली कंटेम्पटस ऑब्जर्वेशन, व्हाट वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ दिस हाउस। व्हाई आपने कहा कि ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं, हाउ कैन, नो दिस इज डिलीटेड, आई टेक एक्सेप्शन टू इट। साहब आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं आरएसएस को बोल रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। यू हैव सर खड़गे जी, अरे बैठो बैठो भी बैठो, देखो साहब जब बोलते हैं तो आप नहीं बोलना चाहिए। तो सर 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। खड़गे जी वन सेकंड, होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई शेयर्स हाउस बिफोर 4th June, आई हैव टू टेक नोट ऑफ टाइम, वन सेकंड, द हाउस विल कंटिन्यू ड्यूरिंग लंच रिसेस आल्सो इन दी डेलिब्रेशंस कंटिन्यू। आपका फ्लो नहीं तोड़ रहा हूँ, देखिए आपके फ्लो के लिए लंच रिसेस रद्द कर दी गई है, पर लंच रिसेस रद्द कर दी गई है साहब। वो क्या करते हैं है? कभी कभी हमारा शरीर में से दिल्ली निकाल लेते हैं, कभी भेजा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए जरा मुश्किल हो जाता है। आज के दिन आपने जो बयानी की है वो आपकी नहीं, बढ़िया, बहुत आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती। सभापति जी लिखी हुई बात बढ़ रहे हैं, बड़ा घोटाला सामने आया है जिससे सरकार ने दबाने की कोशिश की है। 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। होम मिनिस्टर ने कहा कि बाई शेयर्स बिफोर 4th June। वाह, ये मार्केटिंग करते हैं बहुत से कंपनियों का, ऐसी भाषा उन्होंने की। सर जून एग्जिट पोल आया और 3 जून को स्टॉक मार्केट के सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर 4 जून को स्टॉक मार्केट एकदम गिर गया, निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार है,
कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है। क्या उनको आप सबक सिखाएंगे कि इतने लोगों के पैसे गए? 4 जून को आप देखिए, क्या देखे, सब गिर गए धड़ाधड़ धड़ाधड़। सर आखिर में चंद बातें देश की लाइफलाइन भारत रेल पर भी करना चाहूंगा। हाल में कांचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना हुई, उससे पहले बालासोर दुर्घटना भी थी। हमारे रेल ऑस्ट्रेलिया के आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है और देश को एक तरफ लेकिन अरे इन्हें अब तुम्हारे पिताजी को रिसर्व करने के लिए रेल में ही जाता था। अरे अरे गुलबर्गा में एयरपोर्ट नहीं था तो हम खड़गे जी आइए 4 बार गुलबर्गा आना पड़ा। विमान नहीं थी, रेली थी। तो इसलिए मत बोलो भाई, तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की वजह से। बैठो। हमारी रेल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है। देश को एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसी दुर्घटना पर हम सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब यह मिलता है कि पीछे आपके जमाने में कितने दुर्घटना हुए थे, कितने ऐसी घटनाएं हुई, उसकी गिनती होती है। अरे अच्छे करने की गिनती करो, पीछे क्या हो गया, वही बात बार बार बोलने से देश आगे नहीं बढ़ता। अच्छा होगा कि सबसे पहले 3 लाख से अधिक वैकेंसी रेलवे में जो खाली है वो भर्ती करो, उसमें SC ST सभी को मिलेगा। और खासकर मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि जहां वैकेंसीज है, लाखों वैकेंसीज है, वो सरकार भर रही नहीं। वैकेंसीज की बात है, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑन वैकेंसीज। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक सेकंड। आपने बहुत डिबेट देखी है। माननीय सभापति जी, पिछले दस वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर यूपीए का 10 साल देखे तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती की। पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है। महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे जो जरूरी चीज़ें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना, कैसा टोकना, ये काम करते। भाई आपका काम नहीं, हम अपोजिशन में रहते हैं तो आपकी कमियां क्या है वो दिखाते हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते, कितने झूठ बोलेंगे आप। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ, ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए ये लोग। सर 214 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नारा था, घटेगी महंगाई बढ़ेगी कमाई, लेकिन गांव देहात के लोगों को, गरीबों, किसानों, मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजें GST लगाकर उसे और महंगा कर दिया है। और ये करने वाले लोग, कहने वाले लोग हमको, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले काम करो, उसके बाद अपने उपलब्धियां बताकर अपना कह दीजिए।
अरे तुम्हार जरा चुप। अच्छा इनके पास आरएसएस वाजपेयी के नहीं वाजपेयी के जैसे नेता अगर होते तो ये नौबत नहीं आती थी। मंगलसूत्र, भैंस लेना, जमीन लेना और लोग मुजरा, ऐसे शब्द नहीं आते थे। ये अलग है, वो अलग है, इसीलिए एक दूसरे को कंपेयर मत करो। तुम्हारा काम एक ही है, सबको तोड़ना, हमारा काम है जोड़ना। इसी शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।